यार ये बिजनेस प्रपोजल है क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो यार मेरे पास एक जॉब है क्या तुम इंटरेस्टेड हो इस जॉब में क्या मुझसे शादी करोगे हाँ यार वो डिनर का प्लान है क्या इरादा है, है चलना है डिनर पे देखिए देर आर सो मेनी क्वेश्चन देर आर सो मेनी प्रपोजल वी गेट ऐसा होता है ना लाइफ में बिजनेस लेवल पे पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीजें आ रही होती है हाँ यार ये प्लॉट है तुम्हें बाय करना है ये जॉब है जॉब करोगे मेरे पास बिजनेस है मैंने जैसे बहुत सारी बातें की अच्छा द पर्सन हु इज रिसीविंग द प्रपोजल यानी जिससे सवाल पूछा जा रहा है जिसको ये प्रपोजल दिया जा रहा है उसे ये फील होता है कि आई हैव टू रिप्लाई राइट अवे मैं कई दफ़ा फैमिली में भी देखता हूँ फ्रेंड्स में देखता हूँ फोन पर बात करते अचानक पूछते हैं हाँ उसने पूछा है क्या जवाब दो यानी उनको ये लगता है कि उन्होंने राइट अवे दे हैव टू रिप्लाई ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है भाई मैं आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोज बना रहा हूँ लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स से दे रहा हूँ ऐसा नहीं है आप अगर राइट अवे जवाब दोगे आपको पता है जल्दी में जो काम होता है वो नॉर्मली इट्स नॉट रैशनल सही है ना उसमें गलतियां हो जाती है और आप जवाब दे दो आप यस कर दो कि आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब क्या होगा कल अगर आपको नहीं भी करनी आप बाउंड हो गए इसमें फंस गए नहीं फंस गए हाँ या आपने बिजनेस का कोई प्रपोजल था आपने कहा यार या पार्टनरशिप अब करनी पड़ेगी सही है ना अब यस बोल दिया था या डिनर पर चलने का बोला था आपने यस कर दिया सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसको जवाब दें क्या आई नीड सम टाइम यार मुझे टाइम चाहिए अच्छा हर एवरी प्रोपोजल एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट सारी सिचुएशन डिफरेंट होती है जैसे अगर किसी ने आप खाने का पूछा कि यार रात में खाने पर चलना है या अगले हफ्ते आप उससे बोले हाँ एक साल में मैं तुम्हें बताऊँ दैट्स नॉट अ गुड थिंग नहीं तो बार गलत बात होगी इसी तरह किसी ने आपसे जॉब का पूछा आप हमेशा एक बड़ी अच्छी बात कर सकते हो एंड देट विल पुट यू आर विनिंग यू विलेकिंग डिसीशन इट वुड बी अ गुड इफेक्टिव रैशनल डिसीशन सेंसिबल डिसीन होगा आप क्या बाहनी कह सकते हो जब भी मुझसे को पूछता हूँ बोलता हूँ बोलो टाइम ले लो थोड़ा भाई मैं सोच के बताता हूँ या नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम माई पेरेंट्स या फ्रॉम अदर एडवाइजर्स या वट एवर माई सिचुएशन तो आप हमेशा ये बात कर सकते हो और उससे आप विनिंग पोजिशन में आ जाओगे अच्छा अब यहाँ पर सुने कुछ लोग एक बहुत गैर अखलाक इخ, हरकत करते हैं दैट्स अनएथिकल टेक्निक ऑफ नगोसिएशन कि वो आपको जानबूझ के टाइम प्रेशर देते अमूमन टाइम प्रेशर नहीं होना चाहिए अमूमन होता भी नहीं है लेकिन ये लोग ऐसे क्रिएट करते हैं ये ऐसी थोड़ी सेंस ऑफ अर्जेंसी और ये क्रिएट करते हैं टू पुट यू इन अ वीक पोजिशन मिसाल के तौर पर रियल्टर हो गए रियल स्टेट एजेंट ये हो सकता है ट्रेवल एजेंट वो कर सकते हैं सर वो जहाज जाएगा तो उसमें आखिरी टिकट ही बची है आर यू इंटरेस्टेड यू वा बाय राइट अवे मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो या अपनी चेक पेमेंट कर दो वट एवर अब जरा सोचे अब खुद रैशनल सोचे कि अगर एक ही टिकट पड़ी है यानी इफ दर इज ओनली वन सीट सीट इज सीट तो ये बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ा है जब इतनी डिमांड है एनी बडी कैन बाय सही है ना ए नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी बाय कर सकता है तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है तो आप उसको क्या आसानी से जवाब दे सकते हो यार मुझे तो सोचना पड़ेगा लेकिन अगर कोई आपसे ये टिकट बाय करता है आप उसको दे सकते हो सही है ना मैं बुरा नहीं मानूंगा लेकिन थैंक यू यू आस्क मी फर्स्ट यू गेव मी प्रायरिटी फर्स्ट ये बड़ा अच्छा जवाब होगा अगर वो गैर अखलाक हरकत कर रहा है तो आपने उसको रिस्पॉन्स कर दिया कभी भी कोई आपके ऊपर ये एक बड़ा अनएथिकल प्रेशर होता है कि टाइम प्रेशर डालना कि यार मुझे अभी अभी जवाब दो अच्छा मैं आपको और एक दो बातें बताऊँ इसमें जरा गौर से सुने देखिए जब आप यस कर देते हो ना किसी चीज का और उसके बाद जब नो करते हो इट क्रिएट ग्रीवेंस नाराजगिया चाहे आप टेबल के उस पार हो या इस इस पार पार हो अब मैं आपको इस पार वालों की बात यानी पीपल आर आर इन इन अथॉरिटी जिनको काम करना है जिनके बाद लोग फेवर लेके आते हैं बिजनेस पर्सन या whatever. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहते हैं यार हमारे पास कोई भी आता है ना हमें पता होता है हम ये काम कर सकते हैं लेकिन हम राइट अवे उसको नो कह देते हैं या उसको हम वीक कर देते हैं नो कर देते हैं ऐसे

खुश रहने का ये भी तरीका है कि वो राइट right अवे हर काम का नो ही कर देते हैं बोलते हैं पहला जवाब तो हमारा नो ही होता है हाँ उसके बाद फिर यस करते तो सामने वाला भी बड़ा खुश हो जाता है तो ये भी तरीके हैं नेगोशिएशन के और जीतने के और खुशियाँ देने के एक और मैं आपको टेक्निक बताऊँ ब्यूरोक्रेसी में मैंने बहुत देखी इस तरह और कभी भी होता है कुछ लोग काम लेके जाते हैं ना किसी के पास तो वो बोलते हैं यार अगर एक काम लेके गए ना वो मना कर दिया बात ठीक नहीं होगी तीन काम लेके जाएंगे तो तीन में से वो दो मना करेगा और एक तो कर ही देगा ना ये भी लोगों की टेक्निक होती है देखिए दोनों पार्टी इसको देखें कि लोग किस तरह फेवर ले भी रहे कभी उनको लोन मांगना होता है तो वो क्या करते हैं कि लोन लेना है लेट्स फाइव थाउजेंड डॉलर का लेकिन वो बात आठ हजार से शुरू करेंगे यार मुझे आठ हजार की जरूरत है क्या करें उसको पता है सामने वाला तीन चार पांच हजार पे कही कहीं ना कहीं मान ही जाएगा ये भी एक तरीका अच्छा सामने वाले को भी देखें कि इफ ही नोस लाइक ही नोज सम गुड टेक्टिक्स बात कर सकता है उसने आपसे बोला मुझे लोन चाहिए आपने कहा ठीक है आई नीड टू सी आई नीड टू सी माई फाइनेंशियल माई लिक्विडिटी पोजीशन मुझे अपने फंडस देखने होंगे मुझे बैंक स्टेटमेंट देखनी होगी यानी आप भी टाइम गेन कर सकते हो ये टाइम लेना बड़ा ज़रूरी है देखिए सबसे अहम बात आखिरी जिस पे मैंने वीडियो बनाई वो क्या है वो जो मैंने शुरू में बोला देर आर सो मेनी प्रपोजल्स वी गेट सो मेनी ऑफर्स हमारे पास वी आर गैरिंग पार्टनरशिप की बिजनेस की पता नहीं कितनी चीज़ों में हमें नेगोशिएशन में लॉक करना चाह रहे होते लोग आपने उनसे हमेशा टाइम मांगा सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे मुझे मशवरा करना है ये कोई गलत बात नहीं है अब अगर आप उसी कॉल पर सुने ना बोले नहीं नहीं मुझे अभी अभी जवाब दे दो तो फिर तो समथिंग फिशी कुछ है भाई कोई दाल में काला है हमेशा ख्याल रखें और ये आपने कोई गाली नहीं दी किसी को यू नेवर यूज एनी स्लैंग आपने कोई उसके राइट्स सॉल्यूशन नहीं किया दिस इज ऑल्सो असर्टिव बिहेवियर जिस जिसपे मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ सर आई नीड सम टाइम एंड आई आल गेट बैक टू यू सून दैट्स इट अपना ख्याल रखें ग्रेट डे थैंक यू